तमाम लोगों को प्रणाम नमस्कार। मैं सूरत राम आप सबका स्वागत करता हूं। तीन गज की ओढ़नी, ओढ़नी के कोने चार, चार दिशाओं का संसार, कोटरी के चार कोने, हर कोने बीच दीवार, कोने पे दीवार खड़ी है। तीन गज की ओढ़नी, ओढ़नी के कोने चार। आप लोग सुन रहे होंगे ये कविता मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो मैं आपके सामने ओढ़नी का मतलब क्या, चुंदरी का मतलब क्या, यानी महिला, महिला का मतलब क्या, यानी जैसे हमारे गांव की भाषा में, आज मैं आपको महिला का वैज्ञानिकरण रूप दिखाता हूं। आपको मेरे साथी यहां मंजू जी है जिनके साथ आज मैं बात करने वाला हूं। यू सर्क में काम करती है मंजू जी, और मंजू जी का मैं परिचय करवा के इनसे बात करके मेरा मन बहुत खुश है। हमारे देश में महिलाएं कहां कहां पहुंच गई आप सबको पता है, आजकल तो कोई कमी नहीं है। तो मंजू जी आपका स्वागत है, वेलकम आपका इस हमारे कार्यक्रम में। तो मैं आप ही से थोड़ा जानना चाहता हूं, आप कैसे इस लाइन में कैसे आ गए, आप वैज्ञानिक लाइन में कैसे आ गए, घर का चूल्हा चौका क्या आपने छोड़ के ये वैज्ञानिक लाइन में कब से आई है, आप कब से काम कर रहे हैं, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताएंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद सूरत राम जी। जी 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 वेलकम। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, मेरा बचपन से ही, मेरा जब मैं 10th में थी तो मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक स्वप्न था कि मुझे आगे जाके PhD करनी है और इस लाइन में महिलाओं के लिए मुझे काम करना है। और मैंने यही सोचते हुए फिर मैंने PhD करी, जबकि PhD मेरी शादी हो गई थी, जल्दी हो गई थी PhD मैंने, क्योंकि मेरा ये एक एम था, स्वप्न था, इसलिए मैंने उसके बाद PhD करी। और PhD में भी जो मैंने काम किया उसमें महिलाओं को ही फोकस रखा और महिलाओं के लिए ही काम किया कि किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, हमारे जो संसाधन है, लोकल स्थानीय संसाधन है, उनके थ्रू आप कैसे अपने को आय इनकम कर सकती है, मतलब एक किस्म से कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है, उसी लाइन पर मैंने काम किया। और इसी की मैं धीरे धीरे काम करती गई और मुझे कई फेलोशिप्स मिलती गई और फिर मुझे यहाँ राज्य में, उत्तराखंड राज्य में काम करने का अवसर मिला एज ए वैज्ञानिक। तो यहाँ पे मैं 10 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है, आपकी यात्रा सुन के ऐसे मन लग रहा है कि वाकई क्या गजब की बात है, कितना लंबा संघर्ष रहा होगा। आप कोई चीज ऐसी आपकी PhD करने में या आपके ये वैज्ञानिक बनने में कोई ऐसी चीज जो आपको लगा कि अब तो बहुत मुश्किल है, मैं वैज्ञानिक बन नहीं सकती हूँ, कोई ऐसी घटना आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, आप दर्शकों के साथ हमारे साथ? जी मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। जब मैंने अपनी रिसर्च ज्वाइन करी तो उस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो उसके साथ क्योंकि मुझे फील्ड बहुत जाना होता था, मेरा फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, मैंने फॉरेस्ट में काम किया है और फॉरेस्ट में जो हमारे जंगली फल प्रजातियां जो खाने वाली होती हैं उनका मैंने लैब में भी एनालिसिस किया और बच्चे की भी मुझे साथ ही साथ केयर करनी होती थी, घर गृहस्थी भी। और मैंने उस समय, हम उत्तराखंड में नहीं थे, हम लोग सिक्किम में थे, सिक्किम में मैंने काम किया और वहाँ पे फिर मैं किस तरह से मैंने मैनेज किया, क्योंकि कभी कभी तो मुझे, क्योंकि जब सर्वेंट नहीं होते थे घर में तो मैं बच्चे को लॉक करके जाती थी और मेरे बच्चे को भी फिर हैबिट हो गई थी कि मम्मी आप जाओ मैं अपने आप सो जाऊँगा। तो मैंने इस तरह से भी डिवोट किया है टाइम को। और फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड घर आते थे वो बच्चे को देखते थे और फिर मैं लैब में काम करने जाती थी 8-8, 9-9 बजे तक। और इस तरह से फिर मैंने PhD भी कर ली। कभी कभी तो बीच में ये भी लगता था कि मैं इसे छोड़ दूँ रिसर्च को, लेकिन दिमाग में एक जुनून था कि नहीं इसको करना ही है, कम्प्लीट करना ही है। और मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, तो इसलिए मैं। गजब की बात है, आपके पति देव को भी बहुत धन्यवाद है और आपको तो वाकई बहुत बड़ा धन्यवाद है और उस बच्चे का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है कि कितनी गजब की बात है और आप आज इस स्थिति तक पहुंची हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मंजू जी एक बात बताइए, जी जैसे आप बता रही हैं कि इतनी कठिनाइयों के साथ आप अलग अलग जगह भी रही है, अलग अलग राज्य में भी रही है और आपने सोचा है कि महिलाओं के लिए ही काम करने के बारे में, उन्हीं के विकास के, तो अभी आप वर्तमान में क्या काम कर रही हैं, ऐसा
जो आपके महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं? जी सूरत राम जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे निदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी के सानिध्य में मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, और सर का भी ये इंटरेस्ट एरिया रहा है कि हम विमेन को हम आगे लाएं और राज्य में हम विमेन के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो उसी से संबंधित हमने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं जिनको कि मैं देखती हूँ, और सारे प्रोग्राम में हमने महिलाओं को जोड़ा है कि किस तरह से महिलाओं का शक्तिवर्धन होगा, किस तरह से उनकी कार्य क्षमता में विकास होगा और कैसे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। तो मैं एक के बाद एक आपको सारे प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी जी, प्लीज जी। प्लीज प्लीज। तो एक तो हमारा जो उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, मेरे जो कलीग हैं डॉक्टर नौटियाल ने आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में बता दिया होगा, एक साइंस ऑफ सर्वाइवल प्रोग्राम है जो कि हम यहाँ की उत्तराखंड, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि आपदाएं हमेशा आती रहती हैं, जी जी भूकंप आते रहते हैं, हमारे फ्लैश फ्लड्स आते रहते हैं, फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर भी यहाँ की बहुत फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स में हम काउंट करते हैं, और इसी तरह से और भी कई हमारी जो डिजास्टर्स हैं वो होते हैं। तो उसमें किस तरह से हम अपना बचाव करेंगे, और हमने अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा कि जितनी जैसे आपदाएं आती है, भूकंप आती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हानि, जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, महिलाओं की जान माल हानि का होता है, क्योंकि महिलाएं बचपन से ही संवेदनहीन होती है, क्योंकि जब भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती है तो वो पहले अपने परिवार के रक्षा के लिए सोचती हैं और अपने को बाद में, तो इस उसमें वो अपनी ज्यादातर वो जान हानि की उनमें वो होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। तो हमने उनका कैसे क्षमता विकास की, अगर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो कैसे वो अपना बचाव करेंगी, हमने यहाँ का स्टेट का DMMC डिजास्टर मैनेजमेंट जो शेल है, जो डिपार्टमेंट है, उनके हमने जो टेक्नीशियंस, जो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके थ्रू हमने विलेज में रिमोट एरिया में जाके हमने महिलाओं को, शिक्षकों को, छात्रों को, सबसे सबको ट्रेंड किया, मॉक ड्रिल करके उनको बताया कि अगर भूकंप आता है या फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो किस दिशा में भागेंगे आप, कहाँ छुपेंगे, या अगर कहीं पे आपको खाना नहीं मिल रहा है तो वो कौन सी वनस्पतियाँ हैं, आप ऊपर जाके आप उनको खाएंगी। तो इस तरह से हमने अलग अलग जिले में और कई, मतलब हमने अभी 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को, शिक्षकों को, इनको हमने ट्रेन किया है, और ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही सफल रहा है। हमारे पहाड़ के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारा पहाड़ वाकई जैसे आप बता रही हैं, आपदाएं इतनी आती रहती है, और हमारे पहाड़ की जितनी खूबसूरती है उतनी कोई इतने दूर से अच्छा दिखता है, लेकिन कठिनाइयां भी तो है ना, यहाँ रहने वाले आदमी को पता चलता है। और आपने जैसे बताया कि तो ये सुरक्षा का एक हिस्सा है, जी और क्या इस तरीके के काम आपके जुड़े हुए हैं जिनमें आप जी जुड़ी हुई हैं? दूसरा, क्योंकि हमने यही जो प्रोग्राम है साइंस ऑफ सर्वाइवल, ये हमने 4 अप्रोच में किया है, कि इसमें हम जैसे इन्वायरमेंट, क्योंकि महिलाएं जो हैं यहाँ के उत्तराखंड की महिलाएं, उनमें उनका परंपरागत ज्ञान बहुत अधिक है, उनको बहुत अधिक रीच है, और जितने भी हमारे परंपरागत ज्ञान हैं सभी में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। तो हम उन उन परंपरागत ज्ञान को हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, हम साइंटिफिकली हम उनको प्रूव भी कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में आपने सुना ही होगा, यहाँ पे गौरा देवी का बहुत बड़ा नाम है हमारे उत्तराखंड में, कि उन्होंने किस तरह से हमारे जंगलों का बचाव किया था। तो हम इसी तरह से महिलाओं को हम ट्रेन कर रहे हैं उनकी वर्कशॉप्स के द्वारा, और कैसे जंगल को या नदी नालों को हमारे किस तरह से रिवाइव करना है, कैसे उनका संरक्षण करना है। दूसरा है जैसे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी अवेयरनेस कम होती है, विभिन्न तरह की बीमारियां आती हैं, सीजनल बीमारियां आती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, और भी कई से वायरल फ्लू है, तो उसमें भी हम लोग सबको अवेयर कराते हैं। और महिलाओं में जैसे ये आयरन की बहुत कमी पाई जाती है, ब्लड की उनमें कमी हो जाती है, तो कैसे वे अपने किचन गार्डन से ही वो अपने खून में या आयरन को कैसे बढ़ा सकती हैं, तो मतलब छोटे छोटे अपने लोकल रिसोर्सेज से ही वो न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते थे, ये सब चीज़ें में हम उनको जागरूक करते हैं और उनको ट्रेनिंग करते हैं। तीसरी जो अप्रोच हमारी है वो है डिजास्टर में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और चौथा है लाइवलीहुड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है हमारे स्टेट में। और अभी आप देख रहे होंगे कि COVID-19 के प्रभाव के कारण हमारे कितने युवा लोग, 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे
वापस माइग्रेशन यहाँ पे हो गया है, रिवर्स माइग्रेशन यहाँ पे आए हैं, और उनके पास सबसे बड़ी जो चुनौती अभी है वो है हमारी आजीविका, लाइवलीहुड। तो इस लाइवलीहुड को हम कैसे संवर्धन करें, इसमें हमें कुछ भारत सरकार से और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से भी कुछ बायसायातित परियोजनाओं के थ्रू हम लोगों को, हम हमारे जो स्थानीय रिसोर्स, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते ही हैं कि हम जैव विविधता से बहुत रिच है, और हमारी यहाँ की जो लोकल रिसोर्स हैं वही हमारी स्ट्रेंथ है, उन लोकल रिसोर्सेज को हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी अभी एक नारा है कि आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल, तो उसी कॉन्सेप्ट पे और उसी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी में ही हमने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने महिलाओं को जोड़ा है, उनको हमने यहाँ, क्योंकि जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जड़ी बूटियाँ सुगंध पादप होते हैं, उसमें हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये बंजर भूमि बहुत ज़्यादा है हमारे उत्तराखंड में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी युवा लोग हैं या मेल पुरुष हैं वो तो माइग्रेट हो गए, बाहर चले गए जॉब वॉब करके, सिर्फ यहाँ पे महिलाएं रह रही हैं, और महिलाएं ही हमारी उत्तराखंड में या हमारे पहाड़ की ढील हैं और वो रीढ़ हैं और ढाल हैं, तो उनको हमें आत्मनिर्भर कैसे बनाना, कैसे सक्षम करना, तो हमने कुछ छोटे छोटे प्रयोग किए हैं जड़ी बूटियों से, सुगंध पादपों से, कैसे वो उनका कल्टीवेशन करके कैसे ज़्यादा अर्न कर सकती हैं, और ये हमारा प्रयोग काफ़ी सफल भी रहा है। दूसरा रिसोर्स यहाँ पे बांस होता है, बांस ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं, और ये कई लोगों की आजीविका का संसाधन है, तो इसमें भी हमने महिलाओं को जोड़ा है, महिलाएं इस काम को नहीं करती हैं, लेकिन हमने इसके वृक्षारोपण के लिए महिलाओं को जोड़ा है, और उन्हें हम इस तरह से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मंजू जी की बात समझ में आ रही है ना आपको, कितने कम समय में कितने सीधे सीधे सरल सरल तरीके से कितनी बातें बता दी। तो सबसे बड़ी बातें बताई आपने कि वो महिलाओं का विकास करना पहला ध्येय, उसमें भी उनका चार तरीके से विकास करने का थे। पहला है कि भाई हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है इससे बचाव कैसे हो, फिर हमारे पास जो संसाधन है उसके द्वारा अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, फिर हमारे पास जो स्वास्थ्य की जानकारियां वो कैसे पूरी करें, किस किस तरीके से अपने ही साधनों से, और महिलाओं को जो कठिनाई आ रही है उनको कैसे कम करें। मंजू जी एक बात बताइए जी, बताइए। जैसे हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, बुरा ना माने आप, आपको भी अब आप तो जानती होंगी जी। तो इस पुरुष प्रधान समाज में ये वैज्ञानिक विचारधारा, आपके बीच में कभी आपके घर में कोई छोटा मोटा तुंतु पुंतुम झगड़ा बगड़ा नहीं होता है, इस तरीके का तनाव नहीं आता? ये तो आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसमें क्योंकि मैं भी एक उसमें रही हूँ, और हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ साइंटिस्ट रहे हैं, तो कई बार घर में हुई है तू तू मैं भी हुई है, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम रहे हैं और इनको भी रहे हैं, लेकिन एनी हाउ अगर दोनों को ही जुनून है तो काम हम लोग आसानी से कर लिया जा सकता है। बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपने क्या बात बोल दी, कितनी सरलता से बोला। और भाई ध्यान रखना, ये जिंदगी के गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबर चलते हैं साथ, तभी विकास हो सकता है, तभी नया विचार आ सकता है। छोटे मोटे झगड़े वगड़े होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं चलेगा, महिला भी साइंटिस्ट बन सकती है। तो मंजू जी आप और क्या कहना चाहते हैं यू सर्क में, और क्या क्या, किस किस तरीके की चीजें, किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है? थोड़ा और आपको सुन के बहुत ही मजा आएगा कि हम लोग यू सर्क में एक बहुत ही, हमने एक दिव्यांग केंद्र यहाँ पे खोला हुआ है, और जिसमें कि हम लोग जितने भी दिव्यांग, क्योंकि दिव्यांग जनों की अवेयरनेस बहुत कम है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में, कहीं अगर स्टूडेंट्स में ही है कि उसमें कैसे वो डिसेबल्ड है, क्या कैसे पहचान करनी है, तो हम लोगों ने कई तरह से उनको अवेयरनेस, साइंटिफिक तरह से हमने इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो किस तरह से आत्मनिर्भर बने और सक्षम बने, और ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, पेरेंट्स को पता चले कि हमें किस तरह का उनके साथ बिहेव करना है, इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी में ही हमने महिलाओं को उनको इम्पावर करने के लिए, हमने सर के, हमारे निदेशक सर के निर्देशन में हमने एक ब्लाइंड जो विमेन है उनसे हमने क्रिकेट का मैच भी हम लोगों ने करवाया है। और, क्या बात है, तो यानी आखिरी कड़ी तक पहुंचे हुए हैं आप जी। तभी जब लोगों की जरूरतें पूरी होगी साइंस के,
साइंस से तो लोग भी जुड़ेंगे, तो दिव्यांगों के लिए आपने क्रिकेट मैच भी करवाया? जी हमने मेल का भी कराया और फीमेल दोनों का ही, वीमेन और मेल दोनों का ही हम लोगों ने क्रिकेट मैच कराया। तो उत्तराखंड में ये जो हमारे दिव्यांग लोगों की स्थिति कैसी है और आप क्या सोचते हैं उनके लिए क्या चैलेंज है? उनके लिए काफ़ी चैलेंज, उनके लिए जैसे आजीविका के चैलेंज हैं उनके लिए, और जैसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसको फोर्स करेंगे कि भाई मेरे बेटे को इस लाइन में डालना है, ये डालना है। तो अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है और उसको आइडेंटिफाई करना, तो हमने पेरेंट्स को भी हमने टीचर ट्रेनिंग दी और आजीविका से कैसे हमारे डिसेबल्ड जुड़ सकते हैं, उनको किस चीज़ में ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हमने आजीविका से संबंधित भी हमने डिसेबल्ड बच्चों को यहाँ पे अपने यूसर्क के सहायता से हमने उनको ड्राइंग में, वर्ली आर्ट पेंटिंग में, उसमें हमने उनको ट्रेनिंग दी ताकि उसमें, और सारे बच्चे जितने भी डिसेबल्ड बच्चे थे, कई स्कूलों के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसी में ही वो ही आर्ट के थ्रू वो लोग अपनी पेंटिंग बेच के वो करके अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इस तरह की हम ट्रेनिंग अलग अलग उसमें हम लोग दे रहे हैं। तो जाते जाते आप पहाड़ की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे वैज्ञानिक बने और कैसे आपकी जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम और बताना चाहूँगी कि हमारे जो यहाँ पे यूसर्क में हम लोग, क्योंकि मैं एक महिला वैज्ञानिक हूँ और सर भी, क्योंकि सर ने भी काफ़ी ये डिज़ायर थी हमारे निदेशक सर की कि जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं उत्तराखंड राज्य में जो कि वैज्ञानिक हैं या किसी भी अकेडमिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको एक आगे बहुत उचित प्लेटफॉर्म, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम इसमें भी एक बहुत अच्छा शानदार हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हम चुनिंदा महिलाओं को जो कि सामाजिक क्षेत्र में अच्छी हैं, जो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो महिला वैज्ञानिक बहुत अच्छी हैं, जो एक एकेडमिशियन बहुत अच्छी हैं या राइटर बहुत अच्छी हैं, उनकी हम एप्लीकेशन को इनवाइट करते हैं, फिर उनका हम हाई लेवल कमेटी के थ्रू उनका स्क्रीन करते हैं और फिर हम किसी हमारी बड़ी जैसे साइंस कॉन्क्लेव है या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें हम उनको फेलिसिटेट करते हैं। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन उनका होता है और उनको एक रिकग्निशन भी मिलता है। तो ये एक मतलब किसी भी, और हमने आज तक कर 4-5 साल से जब से हमारे निदेशक सर ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और जितनी भी महिलाएं हमने चयनित करी हैं उसके बाद उनको, क्योंकि यूसर्क के द्वारा जब उनको रिकॉग्निशन किया गया, उनको फेलिसिटेशन किया गया, उसके बाद उनको कई प्लेटफॉर्म में उनको रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें जगह जगह मिली। और मैं अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि जिस भी क्षेत्र में काम करें अपना 100% उसमें दे और बहुत ही अच्छे से वो काम कर सकती है। प्रॉब्लम्स तो हर किसी के साथ घर और ऑफिस में मैनेज करने में आती है, लेकिन दोनों में ही एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें मेहनत से करें, जो भी करें हम मेहनत से करें। पुरुषों को और लड़कों को कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरे जैसे मतलब पुरुष क्या करूं, आप पूछ ही ले रहा हूं जी, आप कुछ पुरुषों का अगर सपोर्ट रहे, घर में भी रहे और ऑफिस में भी रहे, तो महिला वंडर कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है। पुरुषों का सपोर्ट रहे, भाइयों का सपोर्ट रहे, तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है, वैज्ञानिक भी बन सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की और तमाम लोग, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जितनी जानकारियां दी गई है उनका इस्तेमाल कीजिएगा और अपने लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को आगे आने दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सूरत राम जी, बहुत बहुत नमस्कार।